हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, हैज टू हैव टू के तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों टेंस आज मैं एक ही साथ आपको बताने वाला हूं, ताकि आपका बचा कुचा जो भी कॉन्सेप्ट है, कन्फ्यूज़न है, वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे पिछली क्लास में दिए हुए क्वेश्चन के आंसर, मीन्स जो सेंटेंसेस हमने होमवर्क के लिए दिए थे उसके आप आंसर अगर आपने बनाया है तो आप इनसे मिला लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं आप उनसे अगर आपने बनाया है तो आप मैच कर लो, जहाँ पर भी गलतियाँ होती हैं वहाँ पर सुधार लिया करो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हैज टू हैव टू तीनों टेंस मैंने पढ़ा दिया है, आपने देखा होगा तो शायद आप समझ भी गए होंगे अच्छी तरह से, फिर भी अगर कोई कसर बाकी रह गया है तो आज वो पूरा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि तीनों टेंस मैं एक साथ बताने वाला हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तुम्हें गीत गाना है। अब आपको पता है कि प्रेजेंट में हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें गीत गाना है। ओके फ्रेंड्स, या तुम्हें गीत गाना पड़ता है ऐसा भी हम बोल सकते हैं, या तुम्हें गीत गाना होता है ऐसा भी बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में एक ही तरीके से बनेगा। तुम्हें गीत गाना था, मीन्स ये पास्ट हो गया, तो पास्ट में क्या करते हैं, हम हैड टू लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और तुम्हें गीत गाना पड़ेगा या गाना होगा। ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर में हम किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर बनाने के लिए उसमें शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो उससे पहले हम शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक एक करके बनाते हुए समझते हैं। तुम्हें गीत गाना है तो इसका हो जाएगा यू हैव टू सिंग सॉन्ग। तुम्हें गीत गाना था, ये पास्ट हो गया, इसलिए जो भी सेंटेंस हैज हैव से बनता है उसमें हम हैड लगाते हैं, तो यू हैड टू सिंग सॉन्ग। तुम्हें गीत गाना पड़ेगा या होगा, यू विल हैव टू सिंग सॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, अब इस तरह से आप प्रैक्टिस करना, आप जब प्रैक्टिस करना तो ऐसे ही करना, एक प्रेजेंट का लेना, फिर पास्ट का लेना, फिर फ्यूचर का लेना, ठीक है। ऐसे यू हैव टू सिंग सॉन्ग, यू हैड टू सिंग सॉन्ग, यू विल हैव टू सिंग सॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा सेंटेंस है, उसे काम करना है, उसे काम करना है मीन्स ही होता है, ही लगाएंगे उसे के लिए, और ही के साथ लगता है हैज। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज टू डू वर्क। आगे है उसे काम करना था या काम करना पड़ा, ही हैज टू डू वर्क। उसे काम करना पड़ेगा या उसे काम करना होगा, ही विल हैव टू डू वर्क। ओके फ्रेंड्स, अभी तीसरा सेंटेंस है, उन लोगों को कल आना है तो दे हैव टू कम टुमारो। उन लोगों को कल आना था, ये पास्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे दे हैड टू कम यस्टरडे। यहाँ पर पास्ट है इसलिए पास्ट के लिए हम टुमारो नहीं लिख सकते, यस्टरडे लिख सकते हैं, क्योंकि कल पास्ट में बीता हुआ कल को बोलते हैं, तो यस्टरडे, तो दे हैड टू कम यस्टरडे। उन लोगों को कल आना होगा, दे विल हैव टू कम टुमारो। ओके फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस हो गए, ये अफर्मेटिव के थे यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, अब इसका हम नेगेटिव बनाते हुए समझेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन नोट सभी के सभी। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव बनाते हैं, तुम्हें गीत गाना है तो मैंने बताया था दो तरीके से बनाने के लिए, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने का है, यानी कि हैज हैव के बाद नॉट लगाओ, पास्ट में हैड के बाद नॉट लगाओ, और फ्यूचर में शैल और विल के बाद नॉट लगा दो, बाकी सारा वैसा ही रहेगा। तो तुम्हें गीत गाना है, यू हैव नॉट टू सिंग सॉन्ग। और एक मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया था, डू और डज लगाकर। ओके फ्रेंड्स, तो डू और डज लगाकर, पास्ट में डिड लगाकर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड को हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो सिंपल है हेल्पिंग वर्ब का साथ इधर उधर करके, या एक डू डज और डिड लगा के। ओके फ्रेंड्स, तो हम डू डज से ही बनाते हैं क्योंकि ज़्यादातर बोला जाता है इसी तरह से। तुम्हें गीत गाना है, तुम्हें गीत नहीं गाना है, यू डोंट हैव टू सिंग सॉन्ग। तुम्हें गीत नहीं गाना था, यू डिड नॉट हैव टू सिंग सॉन्ग। तुम्हें गीत नहीं गाना पड़ेगा, यू
विल नॉट या विल नॉट को हम साथ में बोलेंगे won't यानी शॉर्ट फॉर्म, तो यू won't have to sing song, उसे काम नहीं करना है. He doesn't have to do work, उसे काम नहीं करना था. He did not have to do work, उसे काम नहीं करना पड़ेगा. He won't have to do work, उन लोगों को कल नहीं आना है. They don't have to come tomorrow, उन लोगों को कल नहीं आना था. They did not have to come yesterday, उन लोगों को कल नहीं आना होगा. They won't have to come tomorrow. अभी हम इसको हम इंटरोगेटिव बनाते हैं. तो इंटरोगेटिव पता है आपको इंटरोगेटिव में कैसे शुरू होता है, और उसको बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखते हैं जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें दो दो तरीके से बनते हैं, जो प्रेजेंट और पास्ट का है, डू डू डज और डिड लगाकर, और एक दूसरा तरीका जो हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं. तो क्या तुम्हें गीत गाना है, डू यू हैव टू सिंग सॉन्ग. क्या तुम्हें गीत गाना था, डिड यू हैव टू सिंग सॉन्ग. क्या तुम्हें गीत गाना पड़ेगा, विल यू हैव टू सिंग सॉन्ग. क्या उसे काम करना है, डज ही हैव टू डू वर्क. क्या उसे काम करना पड़ा, डिड ही हैव टू डू वर्क. क्या उसे काम करना पड़ेगा, विल ही हैव टू डू वर्क. उन लोगों को क्या उन लोगों को कल आना है, डू दे हैव टू कम टुमारो. क्या उन लोगों को कल आना था, डिड दे हैव टू कम यस्टरडे. क्या उन लोगों को कल आना होगा, विल दे हैव टू कम टुमारो. ओके फ्रेंड्स, अभी अगर हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे तो तुम्हें गीत क्यों गाना है, हम कुछ भी लगाकर क्वेश्चन वर्ड बना सकते हैं कि तुम्हें गीत कब गाना है, तुम्हें गीत क्यों गाना है. ओके फ्रेंड्स, तो क्यों गाना है, तुम्हें गीत क्यों गाना है, व्हाई डू यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग. तुम्हें गीत क्यों गाना था, व्हाई डिड यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग. तुम्हें गीत क्यों गाना पड़ेगा, व्हाई विल यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग. उसे काम कब करना है, व्हेन डज ही हैव टू डू वर्क. उसे काम कब करना था, व्हेन डिड ही हैव टू डू वर्क. उसे काम कब करना होगा, व्हेन विल ही हैव टू डू वर्क. उन लोगों को कल क्यों आना है, व्हाई डू दे हैव टू कम टुमारो. उन लोगों को कल क्यों आना था, व्हाई डिड दे हैव टू कम यस्टरडे. उन लोगों को कल क्यों आना होगा, व्हाई will they have to come tomorrow. Okay friends, तो ये थे. आप प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे ही एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेना, फिर उसको प्रेजेंट में बनाना पहले, फिर पास्ट में बनाना, फिर उसके बाद फ्यूचर में बनाना. ओके फ्रेंड्स, तो हम कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. ओके, तुम्हें दरवाज़ा खोलना है, यू हैव टू ओपन द डोर. तुम्हें दरवाज़ा खोलना था, यू हैड टू ओपन द डोर. तुम्हें दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू ओपन द डोर. अभी हम इसको नेगेटिव बनाते हैं. तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना है, यू डोंट हैव टू ओपन द डोर. तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना था, या खोलना था की जगह खोलना पड़ा भी हो सकता है. ओके फ्रेंड्स, तो यू डिड नॉट हैव टू ओपन द डोर. तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ेगा, यू वोंट हैव टू ओपन द डोर. तुम्हारे पिताजी को आना है, योर फादर हैज़ टू कम. तुम्हारे पिताजी को आना था, या तुम्हारे पिताजी को आना पड़ा. योर फादर हैड टू कम. तुम्हारे पिताजी को आना होगा, योर फादर विल हैव टू कम. अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं. तुम्हारे पिताजी को नहीं आना है, योर फादर डजंट हैव टू कम. तुम्हारे पिताजी को नहीं आना था पास्ट में, योर फादर डिड नॉट हैव टू कम. तुम्हारे पिताजी को नहीं आना होगा फ्यूचर टेंस, योर फादर वोंट हैव टू कम. ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए. जिस तरह से मैंने किया, जिस तरह से मैंने वे बताया आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस करो. तो क्या होगा प्रैक्टिस करने से, इस तरह की जितने भी सेंटेंसेज आएंगे आपके जहन में, उसको सोचे बगैर आप इंग्लिश में बना लोगे. मीन्स सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा
जोर नहीं देना पड़ेगा दिमाग पर और उसकी इंग्लिश आप खुद ब खुद अपने आप आपके मुंह से जबान से निकल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा वे है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा क्लास तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। और जिन्हें इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, वैसे लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, सचमुच में इंग्लिश सीखना ही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।